चलो चैलेंज किया कि तीन दिन के अंदर अंदर ना पूरे घर में चमका गंदम जिन्होंने गड्डी हुई है जिमीदार भाई उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान होगा तो दुआ नहीं मंगते अल्लाह करे बारिश ना हो जिनी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है सारे पिंड मियां दे। रात में जी मेरे कुछ लड़ी सी ना मसल बचत हो गई इन्ना ज्यादा हैवी नहीं कुछ होया थोड़ी बहुती ना उंगल सुज गई सी रात में लेकिन मैं लगता या बूंद वगैरह या उनकी कोई लड़ी है ज्यादा कोई जहरीली चीज नहीं सी अलहमदुल्ला। बाकी रात को मेरे ना बड़ा हादसा होया शुक्र अलहमदुल्ला कि मेरी जी गर्दन बच गई है। रात को हादसा मेरे ना कुछ इस तरह होया कि जो पट्ठे वगैरह वढ के घर वापस आ रहे थे ना तुम पता शाम तक बारिश होंगी रही तो तिलकन बनी हुई सी बन्ने तो मेरा पैर स्लिप होया पट्ठिया की पंड चुकी हुई सी तो यकदम पट्ठे डिगे ना सर के उपर झटका लग्या तो गर्दन का जोड़ा है ना एक सैड खिंची गई आ पता नहीं उन्होंने चौकान देने की मसल एक सैड ठीक है ए सही आ सैड इंज करो ना तो यह सारी मोढ़ा सारा जोड़ा है ना दर्द की जाता है और सुबह का मसल लतड़ाया भी आ मुठ्ठी छुट्टी भी बनाई लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हूँ आराम उम्मीद है शाम तक मैं ठीक हो जावगी। सुबह सुबह भी काफ़ी बारिश हो रही थी लेकिन हूँ मौसम जोड़ा है ना थोड़ा बहुत ना खुश्क लग रहा नाश्ता भी जोड़ा है इतने बह के भी किया बर्तन इतने ही पैने बर्तन लै जाने थले एली चाय ना मैं रात को पी सी उ कप पिया होया दो कप जमा हो गए क्योंकि रात को ही अक्सर मैं इतने उपर ही बह के ब्लॉग वगैरह अपलोड करता हूँ चाय वगैरह मैं इतने उपर ही मंगा के पीता हूँ। मौसम तुम चेक करा मौसम किमें होया पे माशाला थोड़ा बहुत खुश्क है और बारिश का पानी जोड़ा देखो हाले तक खड़ा होया बारिश ना सोलर प्लेटा ना बिल्कुल साफ सुथरिया हो गई ने धुप गई ने बिल्कुल काफी गट्टा मिट्टी इन्होंने जमे होया लथ गया दो जगह तो कल मोरे खट्टे सी एक जगह से होल जहा बंद करता सी रात में क्योंकि इतने लंघन टपना सी बाकी परला रहिंदा वो वाला उपरों बंद करके उपर होंगे जो सीमेंट बजरी भरनी है। बेगम साहब ने कपड़े सुकने पाए हुए अब्दर रहमान साहब का कुर्ता जोड़ा है थले डिगया पे बारिशा उन्होंने दसिया ने बारिशा हाले हो रही होवन और दो दिन हो गए ने साडा किचन जोड़ा है ना गिला हो रहा बारिश की वजह तो अलहमदुल्ला कोई नुकसान किचन नहीं पहुँचा इस जगह से जो खड्डा बनाया सी ना वो तो मैं कल ही बंद करता से सारा ही मिस्त्री ने फोन किया होया इस मोटर की पारों जोड़ा बई ये सोलर पंप ला गया से ना उन्हें फोन किया मैं सोलर पंप जो तू ला गया से चलता नहीं पाया तो वो आ जाता ना तो उन्होंने जोड़ा है ना अज आ गया था डूबे तर इन्हें तो सुबह आ जाएगा तो आके देख गए कि इन जोड़ा है ना चालू करते हैं माशाला फुल देखो किन्ने चमकते पे बारिश ना ना आके ना और एक्सट्रा फुल भी होर लगे हुए हैं ए सैड जी है ना रही है हाले तक यह सारी बारिश का पानी है कल की बारिश वसन लगी है ए आला होल जरा बंद करने कोली कल की डिगी पई होगी बंद करके उपरों सीमेंट ना कवर कर देंगे ताकि पानी वगैरह इनके अंदर ना जाए सूरज माड़ा माड़ा ना हूँ निकलिया बेगम साहबा नज़र नहीं आ रही पट्ठे वड्डन चली गई आ अगर ना गई तो फिर मैं जो है जावगा चक के तो बेगम लियावेगी क्योंकि मेरी गर्दन बहुत ज्यादा दर्द कर दी नहीं बेगम साहबा पट्ठे वड्डन कोई नहीं गई हुई ओ सामने कोई नहीं मैं उपर बैठा होया सी इस करके मैं पता कोई नहीं कि बेगम साहबा कितने मेरे ख्याल उपरले एंड वाले कमरे में होने ने सारे मिठू मिठू क्या खाना है मक्खियां इन्होंने बड़ा हूँ तंग कर दी मक्खियां बहुत ज़्यादा हो गई ने और साड़ी आ जी मुर्गी हैगी ना आ जी न्यू लैके आँदी सी ये अंडे वगैरह भी ला रही है माशाल्लाह। कल ना एक पिंड का बंदा उत्थे पिछे पट्ठे वड़ रहा सी ना सुबह सुबह तो वो पुछ रहा सी कि नवाज भाई यह लाइट जी ना किन्ने दी तुसी लई है बड़ी इनकी ज़्यादा रोशनी है बैक तक जोड़ा है ना सारी वो उत्थे तक रोशनी जाती है मैं जो उन्होंने इनकी कीमत दसी इन्हें कहना नहीं नहीं भाई साढ़े वास्ती कल दी असी नहीं लै सकते लेकिन इनकी पैसे तो काफ़ी ज़्यादा लगे सी लेकिन इनकी हिफाजत भी मसलन सिक्योरिटी इनकी काफ़ी है लाइट लगी होंगी है उपरों इधरों कैमरा लग्या होंदा है तो लाइट की रोशनी दूर तक जाती है तो कैमरे की निगाह भी दूर तक जाती कैमरा दूर खेतों तक जोड़ा है ना समझ लो कि व्यू बैकग्राउंड दिखाता है सिर्फ और सिर्फ इस लाइट की वजह तो बेगम ने तंदूर ना अच्छी तरह कच्चा होया देखो ला के भी छापर वगैरह उड़े ना साडा तंदूर खराब ना हो जाए तीन चार दिन लगे ने तंदूर बनावन से बेगम साहबा ने बुलाने और अज ना अब्दुल रहमान ते मैं दोनों समझ इतवार है छुट्टी उन्होंने भी अज करने जी घर पूरे की सफाई अज घर की सफाई तुम करके दिखाने
काफी दिन हो गए कर दा काफी गंद वगैरह पे एक तो परली साइड बंद करने और दूसरा यह जरा कचरा पे है भी उत्थे चुकने सारा और इस तू इलावा यह जरा गंद नज़र आ रहा है ना तुहानू यह आला यह सारा गंद जरा है ना तू चुकने पहले सफाई करते हैं उस तो बाद एक और जरूरी काम है वह फिर करते हैं वो जरूरी काम की है वह फिर अगर चल के तुहानू पता चल जाएगा जिनी देर तक यह आला फर्श नहीं ना लगता उन्नी देर तक कमरिया की सफाई रखना भी नामुमकिन है। वाशरूम के अंदर देखो ना गट्टा मिट्टी किन्ना अंदर चला जाता है। वाशरूम वास्ते स्पैशल चप्पल और अगे साइड से मैट जहा रख्या होंगे इस जगह पर वो उदो लैके आवेंगे जो ए सारी टायल वगैरह लग गए फिर वाशरूम अंदरों ना गंदा नहीं होगा। वैसे तो जुतियां वगैरह असं ना बाहर ही ला के बहते होंने और बच्चे सारे इधर बैठे अब्दुल रहमान कितने की चल रहा है मजे की गल वेखो इन्हों की सदे ने इन्ना महंगा सैकल लैके दिता है इन्ना महंगा एक मेरा गला भी खराब है और इन्ना महंगा सैकल लैके दिता है तो इन्होंने ना उनकी भी तैस नैस करती देख सही लगता पाया लेकिन पिछला टायर जोड़ा है ना फारिग कर दिता इन्होंने बिल्कुल हूँ नवी ट्यूब ले आवेंगे नवी ट्यूब पवेगी आई समझ ए साहबजादा जोड़ा है ना पंचर लवान गया सी ते टूप का वैसे ही पटाका मरा के आ गया सतिया नास कराता हूँ इन इतों टूप जी मिलनी कोई नहीं साईवाल उधर चक्कर स्पैशल मारना पैगा या कदम को कम पिया तो उधरों टूप लियावे पवावे तो फिर ये जोड़ा है ना चलेगी। तीन चार दिन के मेरे उपर तुम यही कपड़े वेख लो कल मैं नाया सी लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं किए उनकी वजह है कि मैं कल ना काम करा रहा सी बारिश के अंदर नवे कपड़े वाइट कलर दे गए अगर मैं पा लें तो सारे वो कपड़े भी खराब हो जाने तुम्हें पता है बारिश के अंदर जाके पट्ठे वगैरह वड्डे ने तो फिर इस करके मैं पुराने कपड़े ही पाई रखने बेहतर है। अज फिर सारा मट्टी का ही काम करना इस करके कोई नवे कपड़े नहीं पाते ये पा के कपड़े जो काम वगैरह करते हैं ए आली भी करनी सब तो पहले कर लगे जी ए आली सफाई ए देखो ना कि कूड़ा क्रिकेट पिया पहले ए बंद करते हैं फिर ए करते हैं सारी सफाई ए मट्टी के टुटे बजे टिब्बे ए गंद गुंद जिन्ना पिया है ना ए पिया होया सारा ये सारा चुकने इतों ए जो बूटा नज़र आ रहा ना इनू इकलौते सिर्फ उत्थे नुक्कर च रखना बाकी ये सारे चुक लेने ने या ए आली रखांगे ए भी तोड़ देनी है मैं ए जी पई हुई क्यारी है तोड़ देनी ए क्यारी इत्थे नाल कर देंगे ए दो चुक लेनियां ने ए आली क्यारी भी वो भी सारी तोड़ के विच पा ली है पहले जिहड़ा है ना इट्टां वगैरह चक के उधर लै चलदे आं और बेगम साहबा जिहड़ा है ना नुक्कर वाली सफाई करदी पई है जी उत्थे कचरा वगैरह पिया सी मैं क्या ए आली जगह साफ कर दे और परली जगह जिहड़ी फिर बाद विच उहदे मट्टी वगैरह जिहड़ी पई है ना वह भी चक के उधरले घर विच लै जावांगे जिहड़ी ए मट्टी इजाफी ये हैगी पाल और ये बड़ी कीमती शह इनू जाया नहीं करना ये मट्टी जी उदले घर च रखा इस घर में देख आया हूँ जिनी मर्जी बारिश हो जाए अलहमदुल्ला इधर इन्ना नुकसान नहीं होता जो दी है लिपाई वगैरह कर ली है ना उस तो बाद कोई किसी पास कोई खड्डा वगैरह नहीं होया कोई ना कोई अलहमदुल्ला नुकसान होया और देखो कुकी बैठी उठ गई और अंगूर माशाला चेक करो अंगूर बड़ी काफ़ी तेजी ना ग्रो करते पे काफ़ी ए देखो ना ये अंगूरों की फसल है साड़ी मैं सोचा अंगूरों की जी बेल हैगी ना उपर चढ़ा के ना यह जी सैडा लाई हुई है ना इन्हों उपर चढ़ा देंगे चारों तरफों अंगूर ही अंगूर होया करेंगे माशाला एक अनार तो जोड़ा है ना लग गया देखो अलहमदुल्ला पहला अनार पहला फल साढ़े गार्डन का बजरी की भी लौड़ सी अलहमदुल्ला बजरी पई है रेता भी पिया हुआ उधरों कचरा लिया के नसी ए घर के सामने इतने जोड़ा है ना सीटते पे उस सैड वाला तो कचरा असी काफ़ी सारा चक लिया हूँ ए आला जो कचरा पे ना जिन्ना क्या रोड़े रूड़े पैन सारा ही चुकना है ये चुक ला पहले इन्होंने सैड तो रखे तरपाल पता कि महंगी आई सी बड़ी कम दी है इनू जोड़ा क्या कि फिर बाद कुंज के रखा पहले ए आला जो कचरा पे ना सारा खत्म करने टुटा हुआ है साडा चूल्हा यह है कि कंक्रीट दे सारा चुकने और बाकी है सारी बल पई हुई है ये चक के उधरले घर च रखा सब्जियां वगैरह जी गड्ढने हैं ना उनके काम आएगी ए आली तीसरी रेहड़ी जी है ना असी उस नुक्कर तो खाली जी रोड़िया की परी है और हाले तक एक रेहड़ी मेरे ख्याल पई होनी तुम मैं दिखाना काफ़ी ज़्यादा कचरा पिया इस मतलब कि इधरों उधरों बचता रहा ना हाले तक है वेखो ना काफ़ी ज़्यादा पाया हुआ है यह जगह तुम हूँ किस तरह नज़र आ रही है सफाई तो बाद देखनी है किस तरह जो है ना तुम यह जगह नज़र आएगी मेरे ख्याल काम ना काफ़ी ज़्यादा है हूँ किसी बंदे ने मैं फोन करन लगे क्योंकि ना असी कोई सत्त अठ रेहड़ियां भर के सीटिया ने तो यह मेरे ख्याल जी मट्टी इतने सीटी सी ना
ਸਿਰਫ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਚਰਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਬੋ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੱਟੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼। ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਮੱਟੀ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੰਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰ ਕਲੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਡਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੇਂਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਚੈਲੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਂਸ ਬੂੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲੀਆਂ ਤਰਪੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਧੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੱਝ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਮੱਝ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਸੱਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਟੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ। ਪੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਬਹ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੰਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਾ ਵੀ ਸੁਬਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸੁਬਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਛੱਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਸੀਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੱਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਈ ਬਰਾਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਦੀ ਮਾਈ।
तीन चलावनी आ गई है। अच्छा शुक्र है कि हाले तक ना कोई टायर वगैरह नहीं ने तोड़िया, हाले तक ना चोन जो सा पैसे पूरे हो रहे हैं। और अज पक रहा है जी, की पक रहा है? पालक, आलू पालक। मसाला वगैरह रेडी होया ते माज दे पट्ठे वगैरह हो गए, सारे काम वगैरह हो गए अलहमदुल्ला। ए नुक्कर भी साफ कर ली सी, ए जगह ना हुण देखो किन्नी जबरदस्त लग रही, बिल्कुल इको जी बेहतरीन। अगर इत्थे रैंप जिहा बनिया होया सी बड़ा ही बुरा लगता सी, हुण बिल्कुल इको जी जगह बन गई है। और ए आरियां दो तीन पौड़ियां बना दी। मैं लै जा रहा जी झाड़ू, उपरों छत जिहड़ा हैगा ना झाड़ू देण वास्ते, रोड़े वगैरह जिहड़े हैगे ना थले सिट दित्ते ने, जिहड़े बेकार हैगे सी जी, कार अमन सी उत्ते दीवार वगैरह बनाउणी ने कम आ जावणगे, उह पए ने ध्यान ना। चल अगे भी वह सीते ने, पिछे बह पिछे बह, उड़ के आ भी जाएगा जान दे। चलो रोड़े सारे चक लेने, सिर्फ मिट्टी रह गई है। सूरज जिहड़ा गा ना अलहमदुल्ला गरूब हो चुका है, साडा ही काम बस थोड़ा जिहा जिहड़ा रह गया। और रोड़े वगैरह जो पे सारे जड़े है ना सामने घर के ला दिते, बाकी हम गट्टा मिट्टी भी इतने जो है रखते पे उरली जगह पर, उस जगह वाली डेयरी जी है ना चक्की गई है सारी गंदी, और यह बाकी रह गया। इस साइड तू मैं सारा झाड़ू दे लिया, झाड़ू का रखे हुआ और परली साइड तू झाड़ू दे लिया, हूँ तू सारा अगे अगे झाड़ू झूड़ू दी जाने मैं तो, और भाई बरार मिट्टी चाक सिटेगा। मिट्टी पई काफ़ी सारी सी, देखो ना किन्नी ज़्यादा मिट्टी पई हुई है, और बिना वजह की सानू इतने जरूरत ही कोई नहीं हैगी। अलहमदुल्ला जी उपरों भी सारी सफाई हो गई, लेकिन हूँ ना बिल्कुल रात हो चुकी है, बई बरार भी चला गया। हूँ इंज करना है कि इनशाला इनशाला तुहानू विखावांगे सुबह कि सफाई जी उपरों किस तरह की हुई हुई है इनशाला, क्योंकि हूँ रोटी पानी का जोड़ा है ना टाइम हो चुका है। हाँ अगे मैं की कह रहे थे की होया? हाई हो गई है, कह रहा मेरे हाथ पे हाई हो गई, फूक मारो भी हाई हो गई है। अलहमदुल्ला जी तंदूर दियाँ फ्रैश फ्रैश रोटियाँ।